एक ऐसा कानून जिसका देश 75 सालों से इंतजार कर रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। भारत में तीन तरह के कानून हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारत को लूटने के लिए कॉमर्शियल लॉ बनाया गया और इसे सबके लिए इक्वल रखा गया। वैसे ही क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए समान भाव से बनाया गया, पर सिविल लॉ में कुछ भी सिमिलर नहीं रखा गया। 1941 से 1950 तक पर्सनल मामलों को बढ़ता देखकर उस वक्त की भारतीय सरकार ने डीएन लॉ कमेटी बनाई और हिंदू लॉ को कोडिफाई किया, बट इसमें उन्होंने मुस्लिमों को शामिल नहीं किया। उन्हें शादी, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मामलों के लिए उनके ही मजहब पर छोड़ दिया गया, जैसे उस वक्त की सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहती थी। और इसी दौरान 1985 के वक्त आया साबानो केस, जिसमें साबानो ने अपने पति को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की मांग की। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ के खिलाफ जाकर साबानो को न्याय दिया, बट फिर राजीव गांधी के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट कर रख दिया। इस पे बहुत सारे बहस हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यूसीसी को लाने की बार बार मांग की। उस वक्त की सरकार ने यूसीसी पर ध्यान नहीं दिया। ये उस वक्त की बात है जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कुछ लोग गर्म होकर पॉपकॉर्न जैसे फुदक रहे हैं, जैसे उन्हें कोई गर्म तवे पर ही बैठा दिया गया हो। यूसीसी के आने से ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, बट यूसीसी से मुस्लिम बच्चियों को ही फायदा होगा। हिंदू महिलाओं को आज भी बहुत सारे मौजूदा हक कानून के द्वारा प्राप्त है, पर ये हक मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त नहीं है। यूसीसी के आने से सभी की शादी की उम्र एक ही तय कर दी जाएगी और लड़का या लड़की देखकर जो अलग अलग उम्र में शादी की जाती थी वो खत्म हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली लड़कियां कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर पाएंगी। यूसीसी के आने से किसी भी धर्म का शख्स तय उम्र से पहले शादी नहीं कर पाएगा। ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, पर अभी भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है, पर यूसीसी के आने से तलाक लेने का प्रोसीजर सबके लिए सेम हो जाएगा। यूसीसी के आने से तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता देना कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा अडॉप्ट करने के राइट्स मिल जाएंगे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं हो पाता था। बाकी धर्मों के जैसे ही मुस्लिम भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। जैसा साबानो के केस में हुआ था, वैसा यूसीसी के आने के बाद कभी किसी महिला के साथ नहीं होगा। साबानो के केस के बारे में फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। यूसीसी के तहत माता पिता की संपत्ति में महिलाओं को भी बराबर का हक दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, किसी लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति मिले तो क्या गलत है? क्या आज भी हमारा देश 150 साल पहले जैसा ही जिएगा? हमारा देश जो आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठा रहा है, उसमें क्या हमारे देश के 50% महिलाओं का क्या योगदान नहीं होना चाहिए? हम यूसीसी को लाकर महिलाओं की स्थिति को सुधारना क्या गलत है? कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।